खबर बाराबंकी तहसील रामनगर से है, जहां महादेवा के ऑडिटोरियम में सहायक शिक्षकों को लेकर आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बेसिक शिक्षा अधिकारी बीपी सिंह रहे। आयोजित मीटिंग में बेसिक शिक्षा अधिकारी बीपी सिंह ने वहां उपस्थित सभी सहायक अध्यापकों को प्रेरणा ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा। इससे आपका अहित नहीं होगा, शिक्षकों के वेतन विसंगति को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा और साथ ही सीनियर जूनियर के आधार पर पदोन्नति होगी। शिक्षकों से अनुरोध किया गया कि विद्यालय समय से पहुंचकर शिक्षा कार्य को प्रेरणा ऐप पर दिखाएं। रामनगर विकास खंड में शिक्षा साक्षरता को लेकर के रामनगर जिले में पहले स्थान पर है। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, उनके माता पिता को बुलाकर बच्चों के साथ सम्मानित करें। उत्तर प्रदेश प्रेसिडेंट अवार्ड केवल बाराबंकी जिले को मिला है। कायाकल्प योजना के अंतर्गत पंचायती विभाग से 2 लाख तक एडीयू के माध्यम से विद्यालय को कायाकल्प कराकर बेंच पेयजल बिल्डिंग रंगाई की व्यवस्था की जाएगी। कार्यक्रम में बी एस आर के प्राथमिक शिक्षा संघ जिला महामंत्री उमानाथ मिश्रा, ब्लॉक अध्यक्ष रामनगर चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव, ब्लॉक मंत्री पवन मिश्रा, हनुमंत अवस्थी, डॉक्टर आलोक शुक्ला आदि लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे। देखिए, हमारे यहाँ विभाग की तमाम ऐसी योजनाएं आ रही हैं, जैसे परीक्षा ही होने जा रही है 4 तारीख को, और प्रेरणा ऐप के संबंध में था, तो लोग हमारे यहाँ टीचरों ने कुछ ऐसी भ्रांतियां फैला दी गई जिससे कि उनके अंदर एक ये लगा कि हमारा इससे अहित हो रहा है, जबकि वास्तव में प्रेरणा ऐप से बेसिक शिक्षा का ही कायाकल्प होने जा रहा है और निश्चित है कि ये आने वाले समय में विभाग के लिए बहुत अच्छा संदेश और हितकारी होगा। सर, प्राथमिक विद्यालय अध्यापक है आज मैं उनको सस्पेंड कर दिया। मैंने उनको संज्ञान में आया था, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी ने रिपोर्ट दिया और हमने देखा, उसको एनालाइज की, एक कमेटी गठित कर दी 2 खंड शिक्षा अधिकारी के, त्रिवेदीगंज और दरियाबाद। सर, कल जो है खंड शिक्षा अधिकारी रामनगर कार्यालय पर आकर के कुछ धमकियों की दिए थे, ये हमें हमारे संज्ञान में इन्होंने लगाया और कल हमने पत्र दिया था, तो उसके क्रम में हमने उनके कार्रवाई सस्पेंड कर दिया और जांच रिपोर्ट तो आई। क्या ये गवर्नमेंट जो चाह रही है कि अगर आप सरकारी सेवा में है तो क्या प्राइवेट जॉब या वकालत कर सकते हैं? नहीं नहीं, इसके बारे में अब सस्पेंड की जांच कमेटी बना दी गई है और वो जैसी रिपोर्ट होगी उसके अनुसार विभागीय नियमों के आलोक में कार्रवाई की जाएगी।